Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A Khan and today's economic key concept class we are going to understand priority sector lending in India. Priority sector lending in India. Priority sector lending, जिसको PSL भी कहते हैं, क्या है ये? ये एक टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है RBI का, जिसके तहत बैंकिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इंक्लूसिव ग्रोथ में और इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में. इसमें बैंक्स को मैंडेट दिया जाता है, उनको जरूरी होता है कि कुछ अमाउंट स्पेसिफाइड एरियाज में वो लेंड करें, यानी कुछ पोर्शन अपना जो लोन का है वो स्पेसिफाइड कुछ खास एरिया में वो लेंडिंग करें, लोन दें, जैसे कि एग्रीकल्चर, MSME, एजुकेशन, हाउसिंग और अदर सेक्टर जो क्रूशियल है वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो जरूरत है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, मल्टी फेसेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं. इनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना. इसके लिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है इनका. इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबको साथ लेकर चलना और ग्रोथ जो सब जगह हो, चाहे वो रूरल एरियाज हो, अर्बन एरियाज हो, स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेसेस हो, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हो, सबको सपोर्ट करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. फार्मर्स को सपोर्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, क्रेडिट प्रोडक्शन में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरीज में, एग्रो प्रोसेसिंग में. फिर MSME को सपोर्ट करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे उनकी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ होती है उसमें जब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वहां पे बैंक्स को लोन देने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए. फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है. फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे लो इनकम हाउस होल्ड हुए उन तक बैंकिंग पहुंचे. इसके लिए एसएचजी को सपोर्ट किया जाता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किए जाते हैं. हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल सेमी अर्बन एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग फैसिलिटीज है, उनको डेवलप करने के लिए बैंक लोन देती है. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को सपोर्ट करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे स्टूडेंट लोन हो गया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, उसमें सपोर्ट करती है. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी ऑब्जेक्टिव होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए जो जो उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, लोन देने की रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया उसको डेवलप करने के लिए अगर कहीं पर सपोर्ट लगे तो बैंक सपोर्ट करती है. सोशल एम्पावरमेंट में SC ST हो गए या दूसरे डिसएडवांटेज ग्रुप हो गए उनकी सोशल एम्पावरमेंट के लिए सपोर्ट करती है. तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के. सिग्निफिकेंस ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. सिग्निफिकेंस बहुत सारे हैं PSL के. पहला, इंक्लूसिव ग्रोथ है रूरल एरियाज में, स्मॉल बिजनेसेस को, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को डेवलप करना, रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस जैसे MSME हो गए उनको सपोर्ट करती है, सबसे बड़ा बेनिफिट है PSL का. फाइनेंशियल इंक्लूजन, SHG को सपोर्ट करना, गांव-गांव, दूर दराज इलाकों में, अंडर कवर्ड एरियाज में जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां तक बैंकिंग पहुंचाना, सोशल एम्पावरमेंट, जॉब क्रिएशन. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू जॉब क्रिएशन में भी हेल्प मिलती है, MSME को जब सपोर्ट मिलता है, रूरल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है, उससे जॉब क्रिएट होती है. कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है, इकोनॉमी बूस्ट होता है. रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग एरियाज में लोन दिए जाते हैं जिससे क्या होता है रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में हेल्प मिलता है. तो ये सब सिग्निफिकेंस है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के. चैलेंज फ्यूचर आउटलुक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं, साथ में इसके चैलेंजेस भी हैं. पहला चैलेंज है कंप्लायंस बर्डन. कंप्लायंस बर्डन इस तरीके से होता है कि बैंक को मैंडेट होता है कि रूरल और कोऑपरेटिव बैंक को सपोर्ट करें, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स और जो रूरल बैंक्स हैं वो कई बार डिफिकल्टी उन्हें फेस करना पड़ता है
क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, उनके मार्केट कंस्टेंट्स होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो किस तरीके से वो लोन दे पाएंगे, तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से उन्हें चैलेंज फेस करना पड़ता है कोऑपरेटिव बैंक्स को या रूरल बैंक्स को। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है उसमें एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्मॉल, एग्रीकल्चर में बहुत सारे छोटे छोटे फार्म, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनलाइज फार्मर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं, उनको लोन देना, लेकिन वो लोन कई बार रिस्कियर भी होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर वेदर रिलेटेड रिस्क फेस करती है, फसल ही नहीं हुआ, लोन दिया गया तो वो तो बैड डेट हो जाएगा, लोन वापस आएगा नहीं, डिफॉल्ट के चांसेस होते हैं। क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी एक चैलेंज होता है कि किसको लोन दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, क्या क्राइटेरिया सेट किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए, क्योंकि दूर दराज इलाकों में लोन देने के लिए या बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने के लिए कायदे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, जैसे रोड कनेक्टिविटीज नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर, लोन तो देने हैं, गवर्नमेंट कहती है, आरबीआई कहती है कि आपको लोन पहुंचाने हैं दूर दराज इलाकों में, रूरल एरियाज में, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए उस इलाकों में स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए जो उसको फैसिलिटेट करे उस लोन देने को, तो स्किल मैन पावर की कमी है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की कमी है, इंटरेस्ट रेट सबवर्सन एक इशू है, इंटरेस्ट रेट सबवर्सन जैसे हो गया कि ऑफरिंग सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट ऑन एग्रीकल्चर लोन में रिड्यूस बैंक नेट इंटरेस्ट, बैंक को कहा जाता है कि आपको लोन देना है सब्सिडाइज यानी कम इंटरेस्ट पे, उससे उनके प्रॉफिट मार्जिनल जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है कई बार, अगर अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट ने उसको फुलफिल नहीं किया, उस इंटरेस्ट को पूरा नहीं किया जो बैंक को जरूरत है, उससे सब्सिडाइज देने की वजह से उनको कई बार लॉस हो जाता है, यानी कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, गवर्नमेंट ने उसको पूरा नहीं किया, जैसे लेना है 10%, उसने 5% पे लोन दिया फार्मर्स को, 5% उसको फिर भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अगर नहीं दिया तो उसका लॉस होता है, तो यह है इंटरेस्ट रेट सबवर्जन। सीजनल एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फ्लक्चुएट होती रहती है, क्रॉप साइकिल मॉनसून पैटर्न चेंज होता रहता है, वो एक चैलेंज है। तो हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस हैं प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के। फ्यूचर आउटलुक, इंडियन इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को इंक्लूसिव बनाने के लिए ग्रोथ सब जगह होना चाहिए, समान स्तर पर होना चाहिए, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सारे सेक्शन को इक्वली बेनिफिट होना चाहिए ग्रोथ का। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का जो रोल है यहाँ पे आता है कि सारे सेक्शन में ग्रोथ का बेनिफिट को पहुँचाए, यह है इसका फ्यूचर आउटलुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल शॉर्टली मीट विद आवर नेक्स्ट इकोनॉमी की कंसेप्ट टॉपिक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और सेंड अस मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन।